हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनर स्ट्रोक्स आपको बना करके दिखाऊंगी। जब आप इसे बना करके देखोगे तो आप कहेंगे कि इतनी आसान और इतनी जो है अच्छी स्ट्रोक्स बन करके रेडी होती है ये। एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा आप। बनाने में बहुत आसान है, देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है। ये अंगूठे वाली लेडी सॉक्स है जिसे मैंने इस वाली बूल के साथ बना करके आपको दिखाना है। आप कोई भी बूल ले लीजिए, सॉक्स वाली बूल भी ले सकते हैं, इस तरह की बूल भी ले सकते हैं। आप कोई भी बूल ले लीजिए जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हमने इस वाली बूल के साथ मैं बनाऊंगी और 10 नंबर की सिलाई पर बनाऊंगी। तो सबसे पहले फंदे डालने हैं, इस सॉक्स को ऊपर से स्टार्ट करना है। इस तरह से आप डबल कर लीजिए बूल को। बूल को डबल करने के बाद आपने इस तरीके से एक फंदा बनाना है, ऐसे। इस तरह से हो गया। आप फंदे आप जैसे भी मर्जी डालिए, जैसे आपको पसंद हो। मैं इस तरह से फंदे बनाऊंगी, देखिए इस तरह से डिजाइनर फंदे बनाऊंगी। इस तरह से एक फंदा ऐसे, एक ऐसे। ऐसे तो इस तरह करने के बाद हमने 48 स्टिचेस जो हैं डालने हैं। 7 नंबर पैर के लिए बना रही हूँ। 48 स्टिचेस हमने इस तरीके से डाल लेने हैं। देखिए इस तरह से 48 स्टिचेस डाल लिए। अब दूसरी साइड से हम बुनना स्टार्ट करेंगे इसको। इस तरीके से इसमें दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे ताकि हमारी जो है लाइनें जो है बन सके। इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन करके दोनों साइड से हमने बनाना है ऐसे। जब इस साइड आएंगे फिर हमने इस साइड से भी उल्टा बुनना है। दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा, चाहे आप सीधा सीधा बुन लीजिए चाहे उल्टा उल्टा बुन लीजिए। आप देखिए दूसरी साइड से भी हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह करते हुए हमने 8 सिलाइयां बनानी है, मतलब कि सीधी साइड हमारी 4 धारियां जो है, 4 लाइनें आनी चाहिए। ये बॉर्डर है, आप कितना भी बड़ा बॉर्डर बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको कितना बड़ा बॉर्डर जो है अच्छा लगता है आप उतना बना लीजिए। उसके बाद कैसे बनाना है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये बॉर्डर की 4 सिलाइयां बना ले, 4 लाइनें बना लेती हूँ। इस तरह से धारियां आएगी, देखिए इस तरह से आएंगी दोनों साइड से। तो इस तरह से आपने बना करके 4 लाइनें कंप्लीट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 धारियां हमारी बन चुकी हैं, देखिए 1 2 3 4। अब आगे हमने कैसे बनाना है वो देखिए। यहाँ पे ये सीधी साइड है, पहले हम 23 फंदे यहाँ पे बुनेंगे। 23 स्टिचेस जो है वो हमने सीधे बुनने हैं, सीधी साइड से। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। 23 फंदे हमने यहाँ पे बुनने हैं और 48 में से 23 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दें। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 23। ये जो बीच वाले दो फंदे हैं इनके इस तरफ भी जाली बनानी है, इस तरफ भी जालियाँ हमने इसलिए बनानी है ताकि हमारे फंदे जो हैं आगे बढ़ सकें। यहाँ पे जाली बना दी,
और इस फंदे के हमने इस तरफ जाली बनानी है। जाली आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाहे इस तरह बना लीजिए, चाहे इस तरह से धागे को आगे करके इसे बुन दीजिए, तो दोनों साइड हमारी दो फंदों के आसपास जालियां बन गई। ये जो दो फंदे हैं बीच में सीधे ही चलेंगे, इसके आसपास हमने हर सीधी सिलाई में जाली बनाते हुए जाना है। तो 23 फंदे हम सीधे बुनेंगे फिर से, और उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी बुनेंगे। इस तरह से करते हुए हमने 7 सिलाइयां बनानी है, सीधी और उल्टी। बीच में जालियां हमने उसी तरीके से बनानी है, दो फंदों के आसपास। जो जाली वाले फंदे हैं वो सीधे बुने जाएंगे, इससे हमारे फंदे जो हैं इंक्रीज होते जाएंगे। इस तरह से तेईस फंदे हमने फिर सीधे बुन लिए। अब उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टे फंदों की बनाएंगे। इस तरह से जो जाली वाला बीच वाला फंदा है, दो फंदे बीच वाले हैं, उन्हें भी हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। मतलब कि हमने फंदों के रूप में उन्हें भी बना लेना है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो 23 फंदे हम उल्टे बुनेंगे ऐसे, आप देखिए जो जाली वाला फंदा है इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे, फिर बीच वाले दो फंदे उल्टे, फिर जाली वाले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। अब दूसरी साइड से जब हम बुनेंगे तो 24 फंदों के बाद हमने जाली बनानी है। तो यही बात का ध्यान रखना है आपने, 7 सिलाइयां सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बना करके कम्प्लीट करनी है। अब देखिए अब हम डिजाइन डालेंगे इसमें। देखिए 7 सिलाइयां हमने बना ली हैं, 6 सिलाइयां हमारी इस तरह से आई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 सातवीं सिलाई हमारी इस तरफ से आई थी, वो सीधी थी। अब देखिए यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि हमारा जो है डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। तो एक फंदे को उतारेंगे, धागे को बैक साइड करेंगे। अब ये जो दो फंदे हैं इनके बीच में से हम सिलाई को निकालेंगे। इस तरह से बीच में से इस तरह से सिलाई को निकाला और इस तरह से बना दिया। अब इन दोनों फंदों को हम फिर से इस तरह से लेंगे और बैक लूप से हम बुनेंगे इस तरीके से ऐसे। फिर अगले दो फंदों के बीच में से सिलाई को निकालेंगे ऐसे, फिर इन दो फंदों को ऐसे थोड़ा सा लूज करेंगे और बैक साइड से लेते हुए इस तरह से बुन देंगे और निकाल देंगे। फिर अगले दो फंदों को बस यही आपने जो है दोहराते हुए जाना है। पूरी सिलाई हमने इस तरीके से करनी है। रॉन्ग साइड है हमारी जाली, तो वैसे ही बुनी जाएगी जैसे नीचे से बुनते आए हैं इस तरीके से। यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए अब आ गई हमारी जाली वाला जो फंदा है वो आ गया है। अब इससे पहले हमारे पास दो फंदे है, तो यहाँ से हम जो है सिलाई को निकालेंगे इस तरीके से और इन दो फंदों को वैसे ही बुनेंगे जैसे हम बुनते आए हैं। ऐसे पीछे की साइड से लेंगे और इस तरीके से। अब धागे को अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे। ये जो दो फंदे हैं उन्हें भी हम इस तरह से नॉर्मल जो है उल्टा बुनेंगे रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड है हमारी, तो इस तरह से फिर धागे को पीछे करके देखिए जाली वाले दो फंदे हो गए, दो फंदे हमारे बीच वाले जो हैं ये हो गए। अब यहाँ से फिर से उसी तरीके से, अब बाकी सिलाई हमारी पूरी वैसे ही बनेगी जैसे हम पीछे से बनाते हुए आए हैं। बस यहीं पे ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे हमारी जालियाँ बनेंगी इस तरीके से। दो फंदों के बीच में से सिलाई को निकालना है और दोनों को ऐसे रॉन्ग साइड से इस तरह से बुन देना है। मतलब कि बैक साइड करते हुए हमने सिलाई को दोनों फंदों को फिर बैक लूप से बुनना है इस तरीके से ऐसे। दो फंदों के हमारे पास दो फंदे ही आने चाहिए। अब देखिए सिलाई के लास्ट में है, दो फंदों के बीच में से सिलाई को निकाला और इन दो फंदों को इस तरह से थोड़ा सा लूज करके बैक लूप से हमने
इस तरह से फंदा बना दिया। धागा अपनी तरफ लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये हमारे जो है इस तरह से पेयर में फंदे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पेयर जो है बन चुके हैं। अब देखिए हम दूसरी साइड से कैसे बनाएंगे। सीधी साइड से है, दूसरी सिलाई है डिजाइन की, एक फंदा उतारेंगे। ये जो दो फंदे दिख रहे हैं फिर से हमने उसी तरीके से बनाना। देखिए इस तरह से ऐसे बीच में से फंदा निकाला और दोनों को हम सीधा बुन देंगे इकट्ठा। ऐसे फिर दोनों फंदों के बीच में से फंदा निकाला और इसे सीधा बुन दिया। फिर इस तरह से निकाला और दोनों फंदों को इकट्ठे बुनते हुए इस तरह से, फिर जहां से सिलाई को निकाला ऐसे। तो पूरी सिलाई हमारी उस तरीके से बनेगी, लेकिन जो जाली है यहाँ पे जाली हमने बनानी है, जाली को हमने कंटिन्यू रखना है, जाली को बंद नहीं करना है बनाना, क्योंकि उसी से हमारे जो है फंदे आगे बढ़ेंगे। इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी सिलाई बना करके जालियों तक जो है इस तरह से हमने बनाना है ऐसे। अब आगे हमारे लास्ट में जाली तक इसे बना करके, अब देखिए जाली वाला फंदा तो हम सिंगल बुनेंगे ऐसे, फिर हमने यहाँ पे जाली बनानी है। तो धागे को अपनी तरफ करके दो फंदे बुने, एक दो, फिर यहाँ पे जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ, जाली वाले फंदे को सिंगल बुना ऐसे, फिर यहाँ पे उसी तरीके से बनाएंगे डिजाइन को जैसे हम पीछे बनाते आए हैं। फिर यहां से निकाला ऐसे, फिर यहां से निकाला ऐसे। तो इस तरह से पूरी रो हमारी जो है बनेगी। सेकंड रो है ये डिजाइन की। अब एक थर्ड रो जो है पूरी डिजाइन की बनेगी, उसके बाद फिर से आपने जो है सात सिलाइयां बनानी है। वो थर्ड रो रॉन्ग साइड से आएगी, वो कैसे बनेगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। पूरी सिलाई मैंने आपको बना करके दिखाई है, देखिए इस तरह से बनेगी। इनको फिर से बैक लूप से बुनना है इस तरीके से। जब आप डिजाइन डालोगे तो हाथ को थोड़ा सा लूज रखना है ताकि हमारा डिजाइन अच्छे से बन सके और आसानी से बन सके। इस तरह से देखिए लास्ट वाला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। अब आ जाइए थर्ड रो डिजाइन की रॉन्ग साइड से, वो कैसे बुननी है ध्यान से देख लीजिए एक बार। एक फंदा तो हम उतारेंगे, धागे को बैक साइड करेंगे। देखिए ये दो फंदे जो हैं, इनमें से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और दूसरे को बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर दूसरे पेयर में से एक फंदा बुनेंगे और दूसरे को बिना बुने उतारेंगे। फिर तीसरे पेयर में से हर एक पेयर में से पहला फंदा हमने बनाना है ऐसे सीधा, और दूसरे को हम इस तरह से बिना बुने ही उतारना है। हमने इस तरह से इसे उतार लिया, इसे फिर सीधा बनाया, इसे उतार लिया, इसे फिर सीधा बनाया, इसे उतार लिया, फिर इसे सीधा बनाया, इसे उतार लिया, फिर इसे सीधा बनाया, इसे उतारना है, फिर इसे सीधा बनाना है, इसे उतारना है। जालियों तक मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे जालियाँ बनेगी वहाँ तक जो है मैं आपको इसे बना करके दिखाऊंगी। देखिए ये फंदा सीधा बुना, इसे हमने उतार लिया। अब आ गया जालियों वाली साइड आ गई। जालियों तक जो है हमने इस तरह से बनाना है। ये जो दो फंदे हैं सीधे आएंगे इस तरह से, उन्हें हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। दो फंदे जाली वाला भी, एक फंदा ये वाला हमारा बना था। ये जो दो फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे जाली वाले। अब इस फंदे को भी सीधा और इस फंदे को भी सीधा, तो टोटल मिला के हमारे पास जो है छह फंदे बनेंगे। दो चार छह, यहाँ पे देखिए
इस तरह से आ जाएगा। फिर हमने बैक साइड धागा करना है उस तरीके से बनाना, एक बुना एक बिना बुने ही उतार लिया ऐसे, तो पूरी सिलाई हमारी इस तरह से बनेगी ऐसे। तो इस तरह से आपने बनाना है इसे। इसके बाद जो है सात सिलाइयां फिर सीधी बनेंगी, फिर उसके बाद हम यही वाला डिजाइन जो है कंटिन्यू करेंगे ऐसे। फंदा उल्टा। अब आ जाइए दूसरी साइड से, देखिए डिजाइन जो है इस तरह से बनेगा, ये बहुत प्यारा डिजाइन है देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने इतनी सिलाइयां फिर से बनानी है, उसके बाद फिर से डिजाइन बनाना है। आपने जालियां जहां पे बनती आई हैं वहां पे आपने जालियों को बनाना ही है। इस तरह करते हुए आपने जब हमारे पास 100 फंदे हो जाएंगे तब तक हमने जो है इसको कंटिन्यू करना है, इसको बनाना है। जब हमारे पास 100 फंदे हो जाएंगे तब आपने इसे बंद कर देना है। तो वो कैसे बनाना है, इसकी लंबाई कितनी बनानी है वो मैं आपको दिखा दूंगी, थोड़ा सा बुन लेती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमने इतना बना लिया है, देखिए आप देख सकते हैं चार डिजाइन हमारे बने हैं। उसके बाद फिर से हमने प्लेन बनाया है, देखिए यहाँ से अगर आप नापेंगे तो इस तरह से 16 सेंटीमीटर के हम करीब जो है हमारे पास इसकी लंबाई बनी है। तो 16 सेंटीमीटर के करीब लंबाई बना करके, 16 सेंटीमीटर के करीब लंबाई बना करके आपने जो है इसे, अब जितने हमारे पास स्टिच है मतलब कि 100 फंदा है हमारे पास, तो 50 फंदे इस तरफ आएंगे, 50 फंदे इस तरफ आएंगे, क्योंकि हमने अंगूठे वाले सॉक्स बनाने हैं। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई जो है सीधी सीधी बनाई है, यहाँ पे रॉन्ग साइड से सीधी और यहाँ पे उल्टी। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे आगे। ये जाली वाले जो दो फंदे थे बीच वाले, यहाँ जिन पे हमने जालियाँ बनाई थी, इनमें से एक फंदा हम इस तरफ बुनेंगे, एक फंदा हम इस तरफ, मतलब कि हाफ स्टिचेस हमारे पास इस तरफ रहेंगे और हाफ स्टिचेस हमारे पास इस तरफ रहेंगे। तो यहाँ तक हमने जो है इन फंदों को बुनना है, यहाँ तक हमने इन फंदों को बुनना है। तो कम से कम हम जो है 20 सिलाइयाँ बनाएंगे, 18 या 20 सिलाइयाँ हम जो है इस तरह से सीधी सीधी बनाएंगे ऐसे। तो हाफ स्टिचेस को लेकर के हमने 18 या 20 सिलाइयां इस तरह से बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया है कि कैसे हमने जहां पे जो जितने भी आपके फंदे हैं, मेरे पास 100 फंदा है तो यहाँ पे 50 फंदों को मैं सीधे सीधे बुनते गई हूँ और यहाँ पे 50 फंदों को सीधे सीधे, मतलब कि हाफ हाफ स्टिचेस को हमने अलग अलग से बुनना है, इकट्ठा नहीं बुनना है। अगर आपने अंगूठा नहीं रखना है तो आप इकट्ठा बुन सकते हैं, अगर आपने अंगूठा रखना है, अंगूठे वाली सॉक्स बनानी है तो आप इस तरह से बुनिए, मतलब कि अलग अलग से पार्ट हमने हाफ हाफ स्टिचेस करके अलग से हमने ये 50 फंदे बुन लिए, अलग से हमने ये 50 फंदे बुन लिए, इस तरह से दोनों साइड से हमारा इस तरह से दिखना चाहिए। तो पूरा जो पैटर्न है सॉक्स का इस तरह से आएगा, देखिए बहुत ही आसान है बनाने में ये सॉक्स, देखिए बिल्कुल देख सकते हैं आप, सीधा यहाँ से बुनना है, कुछ भी इसमें जो है अलग थलग नहीं करना है। बस आपने क्या करना है, जालियां बनाते हुए फंदों को बढ़ाते हुए जाना है, एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा एक यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब कि जालियों की हेल्प से। तो फंदे हमारे 100 फंदे हो जाएंगे, यहाँ पे 100 फंदों को हमने अलग अलग से करना है, मतलब कि 50 हमने अलग से बुनने हैं, 50 हमने अलग से बुनने हैं, बस यही आपने करना है। फिर आपने सिलना है इसको, इसको सिलना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अंगूठा जो है कैसे बनाना है इसमें, क्योंकि आप अगर आप जो है बिगनर्स हैं आपको अंगूठा समझ नहीं आएगा कैसे बनेगा इसमें, तो मैं आपको अलग से सिल के बता दूंगी। तो इसको सिलना कैसे, देखिए यहाँ पे हमने 50 फंदों को बंद कर दिया है, मतलब कि 10-20 सिलाइयां बनानी है, 18-20 सिलाइयां आप बना लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने 20 सिलाइयां बनाई है, 20 सिलाइयां बना करके आपने सारे फंदों को एक एक करते हुए यहाँ पे बंद कर देना है, दोनों साइड को इसी तरह से सेम बुनना है। अब हम सिलेंगे, देखिए कैसे सिलना, इसको इस तरह से आप फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे,
इस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से फोल्ड किया। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे एक जो है मार्क लगा लीजिए, इस तरह से पकड़िए ऐसे, यहाँ पे आपका जो है बराबर आएगा यहाँ पे, कि इस तरह से करके आप इस तरह से यहाँ पे एक मार्कर लगा लीजिए, क्योंकि हमारा जो है बराबर हमने सिल नहीं, मार्कर रहने देते हैं, ऐसे ही मैं सिल के आपको बता देती हूँ। इस तरह से देखिए आपने ऐसे पकड़ना है, इसको बराबर से ऐसे पकड़ना है, ऐसे यहां तक इसको ऊपर से लेके यहां तक सिल देना। देखिए कैसे सिलना है ये देख लीजिए। अगर आप चाहें तो मार्कर के साथ इसे अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मार्कर नहीं लगाया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप मार्कर के साथ भी इसे, ये देखिए यहां पे सिलना हमने स्टार्ट किया और एक फंदा हम यहां से लेंगे, एक यहां से। जैसे आप सिलते हैं सेम उसी तरीके से आप सिलिए जैसे आपको आसान लगेगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल बराबर से आपने पकड़ना है, इस तरह से। ऐसे तो यहां तक सिल दिया, देखिए बीच तक, देखिए सेंटर तक हमने सिल दिया। तो इस वाले हिस्से को भी इस तरह से पकड़ेंगे आप ऐसे, इस तरह से करते हुए, और इस पोर्शन को भी ऐसे सिल देना है ऐसे। थोड़ा ध्यान से सिलना है इसे, ताकि हमारा जो है एक हिस्सा बड़ा छोटा ना हो जाए। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है सिल के। तो यहां तक हमने सिल दिया। अब इसी वाले धागे को हम नीचे लाएंगे, इस तरह से देखिए, और लास्ट तक आने के बाद हम यहाँ पे एक नोट लगा देंगे, ताकि धागा जो है हमारा यहाँ पे ऊपर से खिंचाव ना आए। देखिए यहाँ पे एक नोट लगा देंगे हम इस तरह से, यहाँ पे नोट लगा दी। अब हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन इस तरह से पकड़ना है, और नीचे से इसकी यहाँ से यहाँ तक और यहां से यहां तक सिलाई करनी है। अंगूठा मैंने कैसे बनाना है आपको बता दिया। तो ये वाला हिस्सा हम इस तरह से सिलेंगे, देखिए इस तरह से पकड़ के नीचे से इसको आराम से आसानी से आपने सिलना है। जैसे आप सिलते हैं आप उस तरह से सिलाई कीजिए, किसी भी तरीके से आप जो है नीचे से इसे सिल सकते हैं ऐसे। ये मैं पूरा सिल लेती हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक जो है यहां से यहां तक भी सिलेंगे बैक साइड से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से सीधा कीजिए, इस तरह से आप देखेंगे एक साइड हमारी पैर के अंगूठे की बनेगी और एक साइड हमारे जो है पंजे की बनेगी, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा जो है ये सॉक्स बन करके रेडी हुई है। ये मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, देखिए इस तरह से बनी है सॉक्स। देखिए ऊपर हमारे जो पैर की डमी है वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ तक आ गई है। ऊपर हमारी जो है टांग आएगी, उसके ऊपर जो है ये वाला हिस्सा हमारी टांग के ऊपर आएगा, मतलब कि ये इतनी बड़ी सॉक्स नहीं है, इतनी सी ये ऊपर तक जाएगी। देखिए ज़्यादा सर्दियों में हम जो है जैसे जुराब पहनते हैं
इस तरह से जो है ये जुराब हमारी ऊपर तक बनी है, एंकल लेंथ नहीं है, थोड़ी सी जो है ये बड़ी बनी है जुराब। इस तरह से आपने जो है इस सॉक्स को बना करके रेडी करना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी और आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए बना करके, जो कि बनाने में बहुत आसान है। देखने में देखिए कितनी सुंदर लगेगी, ये बहुत ही प्यारी सी सॉक्स जो है बन करके आती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।